मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें और उनका विश्लेषण लेकर। और आज जो खबरों की शुरुआत है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण खबरें होंगी, इसमें अर्थव्यवस्था होगी, इसमें जो हाथरस की बेटी या जो दूसरे मामले हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है वो सब बात होगी, राहुल गांधी का गिरना भी होगा और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो सब भी होंगी, चाइनीज वायरस की क्या स्थिति है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज की शुरुआत अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण खबरों से और सितंबर महीने में जो एक्टिविटी है, आपको याद होगा कि जब अप्रैल, मई और जून इन तीन महीनों के आंकड़े आए थे, यानी इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के पहले तीन महीने के, तो मैंने एक बात कही थी और वो बात मैंने अपने गांव के पास के एक खेत से खड़े होकर कही थी। और जब मैंने वो बात कही थी तो कई लोगों ने कहा कि ये आप भ्रमित कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि बड़ा गड्ढा है कैसे भरेगा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अभी रेलें ट्रेनें नहीं चल रही हैं, रेलगाड़ियां पूरी नहीं हुई, बसें भी उस तरह से नहीं चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं खुल रही है, आर्थिक गतिविधियों को नहीं किया जा रहा है, जो मजदूर है नहीं लौट पाए, फिर भी आप कह रहे हैं। तो मैंने एक बात कही थी कि देखिए अप्रैल मई जून की तिमाही जो थी वो ये प्रश्न करना चाहिए, अगर सचमुच आप आर्थिक नजरिए से देखना चाहते हैं खबर को तो ये प्रश्न करिए कि जो 76% आने की बात कही है वो कैसे बचिएगा। अगर दवा और खाना पीना इसके अलावा कोई सप्लाई नहीं थी तो आखिर कैसे 76% बचा रहा हो, क्योंकि 23.9 यानी -24% रहा है, गिरावट इतनी रही है, तो जो 76% बचा वो कैसे बचा ये समझना जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा था कि देखिए अप्रैल मई जून लॉकडाउन का टाइम था, सब कुछ खत्म हो चुका था, जो जुलाई से शुरू हुआ है और जिसको हम अनलॉक की प्रक्रिया कह रहे हैं, और अब धीरे धीरे अब जब हम लोग आज बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि अक्टूबर महीना शुरू हो गया और अब जो है स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं, जिसकी मैं लगातार मतलब एक तरह से कहेंगे मैं पैरवी कर रहा था और मैं कह रहा हूं कि ट्रेनें भी चलाइए सरकार, कब तक आप ऐसे करेंगे, ट्रेनें भी चलाना बहुत जरूरी है। ये सब होगा तो हम देख पाएंगे कि क्या त्योहारी सीजन में गतिविधियां कैसे दुरुस्त होंगी। और इस सब के साथ मैं कहता हूं कि जो एहतियात बरतना है, जो टेस्टिंग है, जो सैंपल चेकिंग है, वो सब होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कर पाए तो जो ये सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो सितंबर का आखिरी महीना खत्म हुआ है, इसके कई नंबर्स आ रहे हैं, इसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी बहुत ठीक दिख रही है, जिसको हम प्री कोविड लेवल कहते हैं, यानी चाइनीज वायरस के पहले अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी, या वो भी छोड़ दीजिए, आप मार्च के पहले का छोड़ दीजिए, आप 2019 पिछला साल उससे तुलना कीजिए, यानी पिछले वर्ष 2019 में अगस्त में क्या स्थिति थी, 2019 में सितंबर में क्या स्थिति थी, 2019 में जुलाई में क्या स्थिति थी, उससे आप तुलना कीजिए। अब इस तिमाही के जब पूरे आंकड़े आएंगे तो वो समझ में आएगा, जैसे जो कोर सेक्टर का डेटा था वो -8.5 है, कल मैंने आपको बताया था वो। लेकिन आप समझिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो लंबे समय के बाद इस स्तर पर फिर से पहुंची है, एक तरह से कहें कि 8 महीने बाद। और आज का जब और आंकड़े की हम बात करते हैं तो एक नंबर होता है जिसको मैंने कल बताया था, क्या सरकार का बोरोइंग प्लान है, कैसे वो कर्ज लेने की बात कर रहे हैं, राज्यों को कितनी इजाजत दी गई है। और अब जो जीएसटी के नंबर्स आए हैं वो जीएसटी के नंबर बड़े महत्वपूर्ण हैं, और वो नंबर किस कदर महत्वपूर्ण है उसका आप अनुमान लगाइए कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या अर्थव्यवस्था वो पटरी पर आने में कितना समय लेगी, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, क्योंकि 3 महीने तो जा चुके हैं, 9 महीने कुल बचे हैं या उससे भी ज्यादा। और जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे तो उसके बड़े सीधे सीधे लक्षण होते हैं, कारें बिकनी शुरू हुई क्या, घर लोग फिर लेने लगे क्या, ये सब कब होगा, जब लोगों को नौकरी का भरोसा हो जाएगा, नौकरी मिलने लगेगी, काम पे वापस आने लगेंगे, जिनको नौकरी मिल गई है वो उनको लगेगा कि हम बेहतरी कर सकते हैं, तभी वो खरीदेंगे, तभी वो जाकर
आगे उसको खरीदने की बात करेंगे। अच्छा चलो घर ले लें, गाड़ी ले लें, दूसरे खर्चे करें, फिर जब ये सब होगा तो कारोबारी का कारोबार चलेगा और वो जो जीएसटी भरता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसका जो रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें कितनी रकम सरकार के पास गई, कितना रिफंड हुआ, ये भी मैंने कल आपको बताया। वो जो आंकड़े आए हैं वो देखने लायक है। जो अभी आंकड़ा आया है सितंबर महीने का जीएसटी का रेवेन्यू 95,480 करोड़, यानी करीब 4,500 करोड़ और हो गया होता तो 1,00,000 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच जाते। अब मैं ये 1,00,000 करोड़ की बात क्यों कर रहा हूं, जो ये जीएसटी का आंकड़ा है इसमें सीजीएसटी 17,741 करोड़, एसजीएसटी 23,131 करोड़ और आईजीएसटी 47,484 करोड़। सेस जो मिला है वो 7,124 करोड़ है। अब जब हम ये बात करते हैं सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, ये जो 95,480 करोड़ का आंकड़ा है इसको आप ऐसे समझिए कि अगस्त में जो आंकड़ा ये था वो 86,449 करोड़ था, यानी 9,000 करोड़ रुपए का जीएसटी बढ़ा सितंबर में अगस्त के मुकाबले। लेकिन चलिए हम जरा पिछले वर्ष से देख लें कि 2019-20 में क्या था, वो भी 2020-21 में क्या चल रहा है। जब हम सितंबर महीने की बात कर रहे हैं तो सितंबर पहला महीना हुआ जब 2019 के जीएसटी के आंकड़े से ज्यादा बढ़ गया, यानी सितंबर 2019 में 91,916 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था सरकार को, अभी सितंबर 2020 में 95,480 करोड़ हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो भी बात कीजिए वो पुराने जो पिछला वर्ष था उसमें क्या स्थिति थी उस महीने में उससे बात कीजिए। अगस्त महीने की बात करें जो मैंने 86,449 बताया अभी अगस्त 2020 में, तो अगस्त 2019 में क्या था, 98,202 करोड़। उसके पहले ऐसे ही जो जुलाई की मैं बात कर रहा था, जो 1,00,000 के आंकड़े की बात कर रहा था, तो जुलाई 2019 में 1,02,083 करोड़ था और जब हम बात करते हैं जुलाई 2020 की तो 87,422 करोड़। तो ये आंकड़ा आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप अगर देखें तो जो गतिविधि है अप्रैल में जो एकदम से नीचे चली गई थी, 32,172 करोड़ का जीएसटी रह गया था, फिर 62,000 हुआ मई में, फिर 90,000 के ऊपर हुआ जून में, फिर जुलाई में थोड़ा सा फिर कम हो गया और अगस्त में 86 और फिर सितंबर में आके 95,480 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह है कि जो कारोबारी गतिविधियां हैं फिर से स्पीड पकड़ रही हैं और इसीलिए आज के दृष्टिकोण में ये खबर मैं बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि आर्थिक गतिविधियों पर बात करना बहुत जरूरी है। और चूंकि आज अक्टूबर का पहला दिन है तो अब एक एक करके आंकड़े भी आएंगे तो उन आंकड़ों पर मैं बात, जैसे ऑटो सेल्स के नंबर आए बड़े शानदार नंबर है और एक तरह से कहें तो फिर से पिछले वर्ष की स्थिति में हो गया है। जो मारुति का नंबर है उसमें तो 31% की ग्रोथ है, एक सितंबर 19 में 1,15,452 कारें बेची थी और सितंबर 2020 में 1,52,608 कारें, सभी दुपहिया चारपहिया सबकी बिक्री वो पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर हो गई है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या हो रहा है। और मैंने आपको बताया ही था कि सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। तो आप अगर, मैंने पहले भी कहा था कि जब अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक एक बात करते हुए चलेंगे, सिरा पकड़ के एक एक देखते चलेंगे तब समझ में आएगा। घर जो बिक रहे हैं वो इन्वेंट्री 50% रह गई। अब इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ, यानी बिल्डर ने घर बना लिया, फ्लैट बना के रखा हो, उसकी बुकिंग नहीं हो रही, तो उसकी इन्वेंट्री जो पहले बहुत ज्यादा थी वो घर बनने बंद हो गए लेकिन इन्वेंट्री 50% रह गई। मतलब जो आधे घर इन्वेंट्री में उसके पास पहले से पड़े हुए थे वो बिके और फिर से जो रियल एस्टेट मार्केट है वो रिवाइव हो रहा है, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा। अब आज सरकार ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में क्या क्या उन्होंने किया है और जब उसको देखते हैं तो उन्होंने बताया है कि 45,000 करोड़ रुपए ये उन्होंने दिया है जो बैंकों ने ये खरीदने की बात की थी। उसके अलावा एडिशनल
इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल जो था उसमें 30,000 करोड़ दिया है नाबार्ड के जरिए, ये किसानों को दिया है। 25,000 रुपए और दिया गया है, जो 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम थी एनबीएफसी एचएफसी और एमएफआई के लिए, उनको दिया गया है। 39 प्रपोजल्स हैं, प्रस्ताव ऐसे जो अप्रूव कर दिए गए हैं 11,120 करोड़ के। 1500 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ यानी ब्याज छूट के साथ शिशु मुद्रा लोन दिए गए हैं। जो सिडबी 120 करोड़ उसको दिया गया है। 2,00,000 करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट, ये किसको देना था, जो किसानों को देना था, तो 2.5 करोड़ किसानों को दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। उसके अलावा जो अलग अलग दूसरी स्कीम थी उसमें भी लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। 25 सितंबर और 29 सितंबर तक के आंकड़े हैं। ये मैं आज इसलिए इसकी मैंने दृष्टिकोण की शुरुआत इसलिए की इससे कि अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां हो रही है उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम इन गतिविधियों को ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि आखिर क्या जो चाइनीज वायरस ने जो हमें परेशानी दी है, मुश्किल दी है, उसको कुछ हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं। और जब हम चाइनीज वायरस की मुश्किल की बात करते हैं तो क्या स्थिति है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अब जो भारत में संक्रमण के मामले हैं वो 63,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं, 64,00,000 के करीब पहुंच गए हैं। 86,821 नए मामले आ गए, 1,181 जाने गए जिनका हम जीवन नहीं बचा सके। 53,00,000 लोग लेकिन ठीक भी हो गए हैं, कुल 98,000 से ज्यादा जाने हम नहीं बचा सके हैं। एक जो जरूरी बात थी, मुझे दिखा कि आंकड़ा बीच में जो सैंपल है, टेस्टिंग है, वो कम हो गई थी, अभी ठीक है, फिर से 14,23,000 जांच हुई है 30 सितंबर को यानी बीते कल में, और कुल 7,56,19,781 कल तक का आंकड़ा है। तो ये ठीक है कि कम से कम टेस्टिंग हो रही है, और इसको 15,00,000 के ऊपर ले जाना चाहिए हम धीरे धीरे, 15 से 20,00,000, और जल्दी से जल्दी ये जो 7,50,000 का आंकड़ा है, जल्दी से जल्दी 70 करोड़ तक पहुंचे तो हम शायद समझ पाएंगे कि देश में अब पूरी तरह से हम इस चाइनीज वायरस से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन जो मैंने ऑटो नंबर बताए, जो मैंने दूसरे नंबर बताए, उसी के साथ जोड़कर ये नंबर भी आपको देखना चाहिए। सितंबर में माल ढुलाई 15% बढ़ गई है, ये 2019 से मैं सारी तुलना अब कर रहा हूं, वे अगस्त की बात नहीं कर रहा हूं, सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में 15% माल ढुलाई बढ़ी है, और पहली बार रिकॉर्ड 100 मिलियन टन यानी 10 करोड़ टन के ऊपर चले गए हैं। 102.13 मिलियन टन ये सितंबर 2020 में रहा है, जबकि सितंबर 2019 में 88.53 मिलियन टन माल ढुलाई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इससे समझ में आएगा। जो मैंने बताया कि विद्यालय खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, ये सब गतिविधियां हैं। उसके अलावा जो एयर बबल बनाने की बात, एयर बबल मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच यात्रा होगी, वो कहीं और नहीं रुकेंगे, सीधे जाएंगे वहीं रुकेंगे, वहां की जहाज यहां आएंगे, तो दूसरे देशों के साथ रोज एक दो देशों के साथ हो रहा है, भारत और ओमान के बीच वो भी वो शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यात्रियों को राहत दी है जिन्होंने जो कहेंगे मार्च से मई के बीच लॉकडाउन के समय में जो हवाई टिकट बुक कराए थे उसका पूरा पैसा एयरलाइंस को, हवाई जहाज कंपनियों को रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। जो पहले की बुकिंग थी उसको क्रेडिट में डाल सकते हैं और उसका यात्री 31 मार्च तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को लेकर प्रकाश जावड़ेकर जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने 5 राज्य पंजाब दिल्ली राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और उनके जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक की और ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान तैयार किया गया। और उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि जो 2016 से ये शुरू हुआ है तो जो खराब हवा वाले दिन होते हैं जिसको बैड एयर डे बोलते हैं, वो 2016 में 246 दिन थे, जो 2019 में 183 दिन रह गए थे। अब इस बार देखना होगा कि सर्दियों में कैसा होगा। और अच्छी हवा जिस दिन गुड एयर डे कहें तो वो 2016 में 108 दिन थे, 2019 में 182 दिन हो गए थे। तो ये अच्छा है कि अगर ये कर पाए, ये धीरे धीरे हम लोग इसको जो खराब हवा वाले दिन है वो एकदम खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन से जुड़ाव वाले मामले में, जो ताहिर हुसैन ने
दंगे की पूरी योजना बनाई थी, उसमें अंकित शर्मा सीबीआई ऑफिसर उसकी जो हत्या हुई, उस सब मामले में उमर खालिद को इस मामले में गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी तो पहले से है उमर खालिद की और 29 अक्टूबर तक वैसे भी वो हिरासत में, लेकिन 3 दिन के लिए रिमांड में दिया गया है इस मामले में। केरल में सोने की तस्करी वाला मामला चल गया है। उस मामले में जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अभी मामला चल गया है तो चर्चा हो रही, वरना वहां तो सोने की तस्करी नियमित तौर पर होती रहती। हर दूसरे दिन केरल के किसी न किसी हवाई अड्डे पर कोई न कोई सोने की तस्करी करके आके पकड़ा जा रहा होता है। क्योंकि स्वप्ना सुरेश पकड़ी गई, पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रमुख सचिव शिवाशंकरन पकड़े गए, और केटी जलील जो शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब एक पार्षद पकड़ा गया है, कुडवल्ली का पार्षद है करात फैजल, ये भी पकड़ा गया है। अब कुल मिला के बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच चल रही है, एनआईए इन्वॉल्व है। उम्मीद हम करते हैं कि इस रैकेट को ध्वस्त किया जा सकेगा और ये समझ में आए कि इतना बड़ा सोने की तस्करी का रैकेट केरल में कैसे चल रहा है। बिना सरकार के तो इतना बड़ा रैकेट कैसे चल सकता है, और सरकार के जब इतने बड़े बड़े नाम उसमें सामने आ रहे हैं तो क्या हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंचेंगे या गिरफ्तारी पूछताछ और फिर सब छूट जाएंगे। लाइफ मिशन घोटाला भी केरल में हुआ है, जिसमें सीबीआई ने मामला दर्ज किया, पिनराई विजयन की सरकार चली गई उच्च न्यायालय में। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर बिल्कुल ठीक है और आपको सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के तौर पर, जिसको कहते हैं कि प्रतिदिन बहुत उनकी गतिविधि देखने को मिलती है, एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पूरी गतिविधियों पर जब से वो गए हैं अब तक क्या क्या किया है उन्होंने, क्या किस तरह की गतिविधि की है, उस सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी वो जो बैक टू विलेज जो मैंने बताया था कि गांवों में जाने का, वो कल से वो शुरू होगा और तीसरा चरण है इसका, और उसमें कोशिश यही होगी कि ग्राम पंचायत तक जाएंगे और वो सारी बातचीत करेंगे, जिसको उनकी दिक्कत है उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे वो श्रीनगर और जम्मू तक, जिसको कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना देश की समस्या दिल्ली से बैठ के नहीं होगी, वैसे ही श्रीनगर और जम्मू से जम्मू कश्मीर की समस्या हल है नहीं होगी, उसके लिए गांव में जाना पड़ेगा। तो अच्छा काम है ये। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में जो बाबर कादरी जो वकील थे, एडवोकेट थे, हालांकि वो कई बार न्यूज चैनलों पर आतंकवादियों के और उग्रवादियों के पक्ष में भी बोलते नजर आते थे, वो खुद आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए, आज मनोज सिन्हा उनके घर गए थे और उनके परिवार वालों को कहा, पिता और भाई से, कि जो भी जरूरत होगी हर संभव मदद वो भारत सरकार करेगी। अब बात कर लें बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए अब जो पहला लक्षण दिख रहा है, जिसके बाद मैं शुरू करूंगा जो कुछ विधानसभा वार जो विश्लेषण है वो करने की कोशिश करूंगा, हालांकि बड़ा कठिन है क्योंकि जिसको मैंने कहा कि दूसरी चीजों में फंसा रह गया, तो उसकी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। और हर विधानसभा के लोगों से, चूंकि मेरी आदत है कि जब जो मैं करता हूं तो फिर वहां के लोगों से बात भी करता हूं, तो इसीलिए गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार पिछला हो, उत्तर प्रदेश हो, या ज्यादातर जगहों पर वो इसीलिए अनुमान सही हुए। दिल्ली में जो गलत भी हुआ तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उतने ही वोट प्रतिशत मिले, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई, इसलिए मेरा अनुमान वहां गड़बड़ा गया। लेकिन उसके अलावा मैं जब करता हूं तो वहां के लोगों से बिना बातचीत किए नहीं करता हूं, जैसे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, वो इसीलिए सटीक अनुमान देने में मैं सफल रहा। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि ये मतलब कोई मेरा बहुत बड़ा तंत्र नहीं है, कोई टीम नहीं, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं बहुत बड़ा, लेकिन राजनीति समझता हूं, लोगों से बातचीत होती है तो उसके आधार पर पुराने आंकड़े और सबके हिसाब से करता हूं, तो कई बार वो बात पकड़ में आ जाती है। तो 4 अक्टूबर के बाद मैं शुरू करूंगा। 4 अक्टूबर क्यों? 4 अक्टूबर को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ जाए। आज भी अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के जो नेता हैं, भूपेंद्र यादव प्रभारी हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं सुशील मोदी हैं, वहां के जो संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ हैं, इन सब लोगों ने बैठक करके बातचीत करके 2-3 राउंड की बातचीत हो गई है, और आज चिराग पासवान भी मिले हैं जेपी नड्डा से, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से वाली सीटों का जो पहला चरण है, पहली सूची जिसको कहते हैं, वो 4 अक्टूबर को आ सकती है। लेकिन चुनाव हो रहा है, लाठी तो पहले ही दिन निकल गई थी, आज पटना में एक स्थानीय भाजपा नेता राजेश झा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
और अभी वो कुछ दिन पहले ही भाजपा में आए थे, हालांकि कहा जा रहा है कि कोई निजी दुश्मनी या कुछ ऐसा था। लेकिन कुछ भी हो, अगर चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौर में किसी नेता की हत्या हो जाती है तो बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वैसे भी कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर है वैसी भी स्थिति बिहार में नहीं बन पाई। हाँ, पुरानी तुलना करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत ठीक है। और अब ये सारी बातचीत करने के बाद जो मुझे लगता है कि आज मैंने इसीलिए बहुत सी दूसरी खबरें नहीं ली, लेकिन एक खबर मैं बता दूं और फिर आ जाते हैं राहुल गांधी के गिरने पर। पायल घोष ने बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि जो ट्वीट किया है, उसने कहा कि मेरे परिवार और मैनेजर ने उससे ट्वीट डिलीट कराए। कुछ स्क्रीनशॉट भी पायल घोष ने शेयर किए हैं, हालांकि वो समझ भी नहीं आ रहा है कि वो कब का है सर ठीक। और कहा है कि मीटू वाले पोस्ट उनसे डिलीट कराए गए क्योंकि बहुत कुछ वो साझा करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार ने और उनके जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने साझा नहीं करने दिया। तो अनुराग कश्यप से आज पूछताछ हुई है, मुंबई पुलिस ने की है। हम उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से मुंबई पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाए। और अब बात हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलने की, जो पहले ही लग रहा था, क्योंकि जब आईजी पीयूष मोरडिया ने कह दिया था तो उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और आती, ये संभव नहीं था। वीडियोज भी कई घूम रहे हैं जिसमें वो पीड़िता जब जीवित थी तो उसने एक का नाम बताया था, संदीप का, और उसकी माँ भी ये कह रही थी कि झगड़ा झंझट था। फिर उसमें दुष्कर्म की और दूसरी धाराएं ऐड हुई। जो वहां की अभी जो फॉरेंसिक के रिपोर्ट के आधार पर बताया है प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं है। अब जब ये मैं सुनता हूं तो मैं देख रहा था कि पूरी सोशल मीडिया पर अब इसी की बहस होने लगी, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की समर्थक भीड़ है वो ये कहने लगी कि देखिए कैसे बदनाम किया गया, कैसे क्या किया गया। यहीं आकर मैं कहता हूं कि जरा ठहर कर सोचिए, उस लड़की की हत्या हुई या नहीं हुई, और हत्या बर्बर तरीके से हुई या नहीं हुई, जीव कटना, हड्डी टूटना, रीढ़ की हड्डी और दुष्कर्म, इन तीनों मामलों पर अलग अलग भ्रामक वर्जन्स हैं। अगर सरकार पुलिस प्रशासन के वर्जन को माने तो वो ठीक लगता है कि ये सब नहीं हुआ और सरकार ने बहुत तेजी में हरकत की। अगर सरकार ने हरकत की तो पुलिस प्रशासन ने दुष्कर्म की धाराएं क्यों जोड़ी थी, और अगर उसके आधार पर जोड़ी तो पूरी जांच होने से पहले ही कैसे पुलिस ने कह दिया कि नहीं हुआ। और मैं जानता हूं ये बहुत कठिन काम होता है इस तरह से बात करने में, क्योंकि मुझे कई मैसेज भी आप लोग भेज रहे हैं कि देखिए आप भी लपेटे में फंस गए गिरोह के उसमें। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने किसी का एजेंडा चलाता हूं ना चलने देता हूं, और इसीलिए किसी गिरोह के साथ मैं नहीं होता हूं। मेरी आम लोगों से तो खूब बात होती है, जैसे मैं आम व्यक्ति हूं ऐसे, लेकिन गिरोह में मेरी बातचीत हो नहीं पाती है, वो मैं कर नहीं पाता हूं। और ये सब जब हम सुन रहे हैं, हम यकीन कर रहे हैं और पूरी बहस बदल गई। मैं कह रहा हूं कि उस हाथरस की बेटी को जो अब नहीं है उसको न्याय मिलने की जरूरत है। राजनीति में चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति में ऐसे डूब गए, 12 की बात नहीं हो रही है, राजस्थान की अजमेर की बात नहीं हो रही है। बहुत शर्मनाक ट्वीट किया है अशोक गहलोत साहब ने, बड़े खांटी राजनेता है लेकिन ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि तुलना मत करो हाथरस और 12 की, और एक तरह से वो उन लड़कियों के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। अब कुल मिलाकर इसमें असली बात दब जाने का खतरा होता है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फिर वो चाहे दूसरी जगहों पर कौन दुष्कर्म करने वाला है, कौन दलितों का घर जलाने वाला है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आप अलग अलग समय पर अलग अलग बात कर रहे होंगे लेकिन समाधान की बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात मान लेता प्रशांत कुमार की कि दुष्कर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर बर्बर तरीके से हत्या हुई और ये कानून का राज नहीं है, ये तो स्पष्ट है। इसके अलावा भ्रामक वर्जन है, लेकिन आज एक और वीडियो आया है जिसमें डीएम हाथरस वो उस पीड़ित के परिवार वालों को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार वालों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बाकायदा धमका रहे हैं कि ये मीडिया वाले आधे आज चले गए, आधे कल तक चले जाएंगे और हम यहीं रहेंगे। तो बार बार बयान बदल के आप अपनी विश्वसनीयता मत खोइए। इस तरह की धमकी जब डीएम, एसएसपी या कोई बड़ा अधिकारी देता है तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बयान होगा। जो उनके उस लड़की के पिता का बयान है वो टाइप्ड बयान है। कमाल है कि पुलिस टाइप करवाती है, उनसे साइन करवाती है, बयान जारी करती है। मैं कह रहा हूं कि सरकार प्रशासन जो काम कर रहे हैं वो न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूं। मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मसले को कहीं से भी, अब इसमें जरा सा भी न्याय न हो इसके लिए कोशिश कर रही है, या कोई अपराधियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोपियों को। लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो संदेह बढ़ता है। और उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, हो सकता है कि आज आप खड़े होकर कह रहे हैं कि अरे ये कह दिया गया, वो कह दिया गया, दुष्कर्म तो नहीं हुआ, लेकिन बार-बार हत्या हुई है ना। और वो मैं बार बार कहता हूं कि सरकार और प्रशासन का काम उसको बचाने का नहीं दिखना चाहिए। अगर वो बचाते हुए दिखने लगे तो खतरनाक दिखता है। खैर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी राजनीति से तो बाज नहीं आ रहे हैं, और राजनीति करते, अच्छी राजनीति करते, खूब लड़ते, सड़कों पर उतरने में भी कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन भी करें, जो मांग है वो भी बताएं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो जो मांगे थी वो सब सरकार ने मान ली है पहले, और वो हाथरस जाना चाह रहे हैं, हाथरस नहीं जाने दिया गया, वो नहीं गए राजस्थान, बारा नहीं गए, अजमेर नहीं गए, वहां दलित बच्चियों के साथ हुए अत्याचार का वो जरा सा भी उनको संज्ञान नहीं है, उस पर ट्वीट तक नहीं किया। ट्वीट तो कम से कम कर देते, ये तो अच्छे से करते हैं, संसद सत्र से गैर हाजिर रहे, अभी अचानक आ गए हैं और वो आज गिर गए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस से धक्का मुक्की में गिर गए, पुलिस ने गिरा दिया। लेकिन जो वीडियो चल रहे हैं टीवी चैनलों पर वो संदेह पैदा करते हैं। जिस तरह से वो गिरे हैं वो एकदम अलग तरीके से, मतलब वो जैसे लग रहा है कि चलते चलते वो गिर गए, लड़खड़ा गए, या गिर गए क्या हुआ पता नहीं, खुद से गिर गए या लड़खड़ा गए, क्योंकि उस वीडियो को देखने पर इतना तो जरूर दिखता है कि किसी ने उन्हें ऐसे धक्का नहीं दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से गिरने को अगर मुद्दा बनाएंगे, और अगर लड़खड़ा कर गिर गए तो इसमें कोई बात नहीं, कोई भी कभी भी गिर सकता है, इसमें कोई, हम सब चलते रहते हैं लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, अपने जीवन में हम सब गिरे हुए हैं। लेकिन उस गिरने को मुद्दा बनाकर और अगर आप कहेंगे कि हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर तो इस गिरने का निहितार्थ दूसरा निकाला जाएगा। और वो नेता के तौर पर ऐसे लड़ाई लड़ते हुए गिर जाना, ये बहुत अच्छा नहीं राहुल जी। और दुर्भाग्य से जब हम इतने संवेदनशील विषय पर जनता जागी हुई है, बात कर रही है, लड़ रही है, सरकार पर दबाव बन रहा है, प्रशासन डरा हुआ है, और जब मैं डरा हुआ कह रहा हूं तो इसीलिए क्योंकि जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ में भी आ जा रहा है, तो मीडिया तो कहीं फिलहाल जा नहीं रहा। और ये सही है कि मीडिया को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना को एकदम नेशनल लाइमलाइट हो जाती है, राष्ट्रीय फलक पर वो एकदम बहुत चर्चा में होती है, उसके बाद अचानक वो खबर गायब हो जाती है। तो ये भी मीडिया को सोचना चाहिए कि क्या ऐसी खबरें नियमित तौर पर उनको नहीं दिखाना चाहिए। ये जो एक ही विषय पर बहुत लंबी बहस, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे और कभी कभी तो पूरा दिन एक ही खबर पर अगर सारे चैनल तुले रहें, तो क्या ये सारी खबरें देश की हो पाएंगी? राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को और टीवी चैनलों को और क्षेत्रीय मीडिया टीवी चैनलों को ये बात सोचना चाहिए। अच्छा होगा कि एक कोई या दो कोई विमर्श का, ऐसा बहस का, चर्चा का ऐसा कोई वो सेगमेंट रखें, लेकिन खबर तो दिखाओ भाई, रिपोर्ट तो दिखाओ। अगर वही नहीं दिखाओगे तो पत्रकारिता कैसे करोगे? तो ये खतरा तो है ना। और तब डीएम हाथरस जैसा कोई भी बोल देगा कि आज आधे मीडिया वाले आज चले गए हैं, आधे कल चले जाएंगे, हम ही हैं, हम ही तुमको बताएंगे। तो आप सोचिए, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना कठिन हो जाता है अगर आपका, मतलब कोई वैसा आप साहसी ना हो और आपके संबंध संपर्क नहीं हो, तो थाने में जाकर किसी के लिए रिपोर्ट लिखाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर आप लोग जो बहस चला रहे हैं तो कृपा करके हाथरस की बेटी को न्याय मिले, दूसरी जो अलग अलग जगह पर घटनाएं हुई हैं उनके, उनको न्याय मिले, अजमेर 12 में जो हुआ वो न्याय मिले, और उसमें फिर वो कोई भी हो, किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और
सामाजिक परिवार में मेरे शामिल होइए, मेरी ताकत बढ़ाइए। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे उस ताकत से कोई बहुत प्रसिद्धि हासिल करना है या कुछ और काम करना है, मुझे उस ताकत से ये जो भेड़ चाल होती है कि कुछ भी आया उसी में बह जाना है, वो नहीं करना है। तो हमें ठहर कर सोचना है, उसके लिए ये ताकत चाहिए। और अच्छा होगा कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हों, जिससे कि हम सकारात्मक सार्थक विमर्श चला सकें, समस्याओं को समाधान की तरफ ले जा सकें। सिर्फ हुआ हुआ करके और भेड़चाल करके उस पर सिर्फ शोर न करें, स्थिर भाव में शांति से समाधान की तरफ बढ़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम करेंगे, कर रहे हैं और वो हम करेंगे। कई बार उसमें लगता है, जब आपको दिन में 2 मैसेज आते हैं कि अरे आप भी वही निकले, आप भी बह गए, आप भी लिबरल गिरोह में शामिल हो गए, अरे आज आप सेकुलर हो गए, तो इन सब टिप्पणियों से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे जब जो बात करनी होती है वो पूरी गंभीरता से और तथ्य और तर्क के साथ ही करता हूं। आप लोगों का साथ है तो वो ताकत थोड़ी और बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी जरूर दबा दीजिए।